बर्मन विलोक जो कि मिगड़ी टिंडोरी से हैं, और वहीं एक बार फिर नरेंद्र मार्को चले हैं राइट रेडर जो कि अच्छा रनिंग हैंड टच यहां पर और दावा किया है। देखना होगा एम्पायर का डिसीजन और पॉइंट मिलेगा नरेंद्र को यहां पर एक पॉइंट अर्जित करते हुए पौड़ी। और वहीं एक बार फिर तीन नंबर जर्सी के साथ विनोदी के रेडर और यहां पर आउट ऑफ होता हुआ और एक बार फिर पॉइंट मिला पौड़ी को। एक बार फिर आए हैं पुष्पराज, क्या कर पाएंगे पुष्पराज, जबरदस्त रेडर है, छोटे कद के रेडर है पुष्पराज। इनकी एज देखा जाए तो लगभग अभी 17 वर्ष की है और जबरदस्त रेड मारते हैं पुष्पराज जो कि राइट के कॉर्नर पर और इस बार जबरदस्त एक बार फिर विनोदी की रेडर छोटू 05 नंबर जर्सी के साथ छोटू एक बार फिर अच्छा चहल कदम करते हुए जो कि राइट कॉर्नर फिर दलवीर खेल रहे हैं वहीं पर अच्छा रनिंग हैंड टच करने की कोशिश और इस बार सफल रहे छोटू। दलवीर को वापस जाना होगा एक अंक अर्जित करते हुए विनोदी। एम्पायर डिसीजन एक बार फिर जैन सिंह मार्को जो कि लेफ्ट रेडर हैं और राइट कॉर्नर पर रितु और वहीं पर जबरदस्त जैन सिंह के फुटप्रिंट यहां पर और एक बार फिर लेफ्ट से राइट पर इस बार खाली हाथ वापस जाएंगे लग रहा है जैन सिंह मार्को एंटी रेड। एक बार फिर 05 नंबर जर्सी के साथ छोटू और वहीं पर लेफ्ट कॉर्नर पर रोहित मरकाम और यहां पर जबरदस्त अच्छा एंकल होल्ड रोहित द्वारा कॉम्बिनेशन टैकल पॉइंट मिलेगा जरूर पौड़ी को, जाने माने टीम पौड़ी डिफेंडिंग चैंपियंस पौड़ी। और एक बार फिर रोहित मरकाम जाने माने हट्टे कट्टे तगड़े प्लेयर रोहित मरकाम और यहां पर 6 के डिफेंस में बोनस ऑन है, चाहे तो रोहित बोनस ले सकते हैं आराम से और इस बार अच्छा बोनस की प्रयास। और एक बार फिर बोनस मिला पौड़ी को वही एक बार फिर 4 नंबर जर्सी के साथ रोशन लक जर्जर करते हुए यहां पर रोशन और इस बार रनिंग हैंड टच करने की कोशिश पर असफल रहे रनिंग हैंड टच करने में। एक बार फिर वहीं पर सामने जो कॉर्नर पर देखा जाए तो मोटू है और वहीं एक साइड है बड़े भैया रोहित और एक बार फिर जबरदस्त किक चलाया पर इस बार अच्छा ब्लॉक यहां पर रोहित द्वारा और एक बार फिर चले हैं चैन सिंह मार्को जाने माने रेडर पौड़ी से और फिर अपने लेफ्ट कॉर्नर पे राइट रेडर हैं जो कि अच्छा रेड करते हैं अच्छा रेड अभी 5 की डिफेंस पर इनका बोनस ऑफ है और एक बार फिर खाली हाथ वापस जाएंगे चैन सिंह मार्को। एक बार फिर 01 नंबर जर्सी के साथ रितु की कर पाएंगे अपनी टीम के लिए जो कि राइट रेडर है लेफ्ट कॉर्नर पर वही मोटू तरेंद्र भैया जबरदस्त अच्छे और यहां पर जबरदस्त एंकल होल्ड तरेंद्र द्वारा पॉइंट मिलेगा जरूर पौड़ी को उसी के साथ एक अंक अर्जित और करते हुए पौड़ी। और एक बार फिर रेड का जिम्मा संभाले हैं रोहित मरकाम अच्छे रेडर हैं जाने माने रेडर हैं ये और एक बार फिर किक चलाने की कोशिश रोहित का पर असफल रहे इस बार रोहित किक चलाने में 5 के डिफेंस में बोनस ऑफ है और यहां पर एडवांस टैकल करने की कोशिश असफल रहे पॉइंट मिलेगा जरूर पौड़ी को एक अंक अर्जित करते हुए पौड़ी। और एक बार फिर चले बड़े भैया 7 नंबर जर्सी के साथ छोटू जो कि राइट रेडर हैं और वहीं लेफ्ट कॉर्नर पर बड़े भैया तारेंद्र खड़े हैं जाने माने डिफेंडिंग तारेंद्र वहीं एक साइड दलवीर संभाले हैं अपनी कॉर्नर और यहां पर छोटू लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट दोनों साइड पर इस बार अच्छा ब्लॉक कॉम्बिनेशन टैकल तारेंद्र द्वारा पॉइंट मिलेगा जरूर यहां पर पौड़ी को
एक बार फिर विनोदी से लंबे कद के रेडर, अच्छा रेडर, 750 जर्सी नंबर के साथ विनोदी के पर अच्छा रेडिंग का काम कमान संभाले। यहाँ पर टो टच करने की कोशिश और यहाँ पर एडवांस टैकल और फिर सफल रहे, पॉइंट के लिए जरूर पॉइंट को इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ नौ अंक सॉरी अलाउड। और एक बार फिर बाराती के मध्य मुकाबला चलता हुआ एक बार फिर यह है पुष्पराज जो कि छोटे रेडर हैं, अच्छे रेडर हैं, दावा किया था पुष्पराज पर इस बार पुष्पराज अपन और इस बार अच्छे रेड मारते हुए पुष्पराज अच्छा टैकल करने की कोशिश पर एडवांस टैकल यहां पर अपने पैरों के बल घूमते हुए पुष्पराज वापस आए और एक बार फिर लंबे करके रेडर 750 जर्सी नंबर के साथ विनोदी से सम्मानी बड़े भैया लंबे कद के रेडर, जाने माने रेडर, अच्छे रेडर हैं और इस बार जबरदस्त ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक रोहित मरकाम द्वारा, रोहित मरकाम एक जाने माने डिफेंडर हैं, जाने माने सेंटर प्लेयर और एक बार फिर चले कैप्टन स्वयं नरेंद्र मार्को, अच्छा टच करने की कोशिश इस बार असफल रहे, लंबा रनिंग गेम चला यहां पर, इस बार देखना होगा एम्पायर डिसीजन और यहाँ डिसीजन आना बाकी, 2 पॉइंट मिला यहाँ पर पौड़ी को और एक बार फिर 750 जर्सी नंबर के साथ जो कि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट दोनों तरफ रेड मारते हैं बड़े भैया और वहीं पौड़ी के कोर्ट पर 6 के डिफेंस पर बोनस ऑन है, उनको बोनस मिल सकता है, सॉरी 7 के डिफेंस पर बोनस ऑन है, चाहे तो बोनस ले सकते हैं। लक लक झक झक की स्थिति पर यहाँ पर रोहित को टच कर दिया गया और वही एक बार फिर परम सम्मानीय बड़े भैया दलवीर पट्टा, दलवीर पट्टा जो है ये तो ज्यादातर जाने जाते हैं डिफेंडिंग के लिए राइट कॉर्नर के लिए पर इस बार रेड का जिम्मा संभाले हैं दलवीर पट्टा और इस बार जबरदस्त थाई होल्ड और इस बार देखना होगा एम्पायर डिसीजन, रेडर आउट, पॉइंट मिला विनोदी को। एक बार फिर परम सम्मानीय बड़े भैया जो कि लेफ्ट रेडर हैं, इनको कहा नहीं जाता क्योंकि लेफ्ट से राइट से दोनों तरफ रेड मारते हैं, अच्छा अपने कंधों को हिलाते हुए पर इस बार जबरदस्त दोनों थाइयों में घुसे, अच्छा टैकल कॉम्बिनेशन टैकल, पॉइंट मिला जरूर यहां पर पौड़ी को। एक बार फिर छोटे कद के खिलाड़ी पुष्पराज क्या कर पाएंगे, पुष्पराज अपने टीम के लिए अच्छा रेड मारते हैं, ये कि अभी इनका भैया चलेश्वर का रेड देखा नहीं गया है क्योंकि मैन रेडर माने जाते हैं पौड़ी के सेकंड मैन रेडर नरेंद्र मार्को उसके बाद चलेश्वर पर अभी तक साथ रहे हैं चलेश्वर और इस बार नरेंद्र द्वारा एक गलती हुई और फिर पॉइंट मिले जरूर यहां पर विनोदी को, इसी साथ विनोदी का अंक बढ़ता हुआ 7 इस बार फिर चलेश्वर अच्छा फुट रेड करते हुए लेफ्ट फिर एक बार फिर राइट रेडर है अच्छे रेडर फिर चलाया बस पर जबरदस्त चुटकी के साथ यहाँ पर पैरों के बल दिया और पॉइंट मिले जरूर यहाँ पर पौड़ी को। एक बार फिर छोटे कद के खिलाड़ी जो कि लेफ्ट लीडर है राइट कॉर्नर पर दलवीर, दलवीर यहाँ गलती कर बैठे और पॉइंट मिले जरूर यहाँ पर विनोदी को, इसी के साथ बढ़ता हुआ आपको 8 पौड़ी 19 और एक बार फिर पुष्पराज छोटे कद के खिलाड़ी जूनियर प्लेयर है इस बार जबरदस्त टैकल अच्छा टैकल पिंकू द्वारा अच्छा बैक होल्ड और एक बार फिर 750 जर्सी नंबर के साथ परम सम्मानीय बड़े भैया रोहित द्वारा यहां पर ब्लॉक करने की कोशिश पर इस बार असफल रहे रोहित, पॉइंट मिलेगा जरूर छोटू को 2 पॉइंट। एक बार फिर जाने माने धुरंधर रेडर जलेश्वर मराबी, जलेश्वर मराबी जाने माने रेडर अगर इस खिलाड़ी को पकड़ते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, अगर पॉइंट लगवाते हैं तो आपके ऑल आउट का खतरा हो सकता है और यहाँ पर जरूर होगी पौड़ी यहाँ पर टैकल का विनाश कर रहे, पॉइंट मिले जरूर विनोदी को। टेन पास ना करो जाओ।
संख्या 16-19 अभी भी 3 अंकों की लीड पर है पौड़ी। और जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, टाइम व्यतीत कैसे करना है, नरेंद्र को अच्छी तरह से पता है। इसी के साथ